वेलकम माय डियर फ्रेंड दिस न्यू वीडियो। जैसे कि हमने अभी हमारा ये यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें का चौथा वीडियो है। जैसे प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे जो प्योरली अंधविश्वास ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे पूछे जाते थे। सेकंड वीडियो में हमने देखे कि जो न्यूमेरिकल्स है जो टेम्परेचर पे पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने यूनिट जो लास्ट वीडियो होगा यूनिट नंबर 3 थर्ड वीडियो होगा उसमें हमने जो सर्किटरी पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का कैसे ऐड किया जाता है, कैसे वो करंट फाइंड आउट किया जाता है, ये हमने देखा। और अभी तक जितने भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की उस सभी को यूज़ करके जो बड़े न्यूमेरिकल्स है वो किस हिसाब से सॉल्व करे जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक केवीआर कैसे रहता है, किचॉफ कैसे, वोल्टेज लॉ कैसे यूज करते हैं, ये सभी न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग इट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, सॉल्व द गिवन नेटवर्क इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस आर1 एंड आर2, ऑल्सो फाइंड अननोन करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ सर्किट। यहाँ पे एक सर्किट दे दिया है, उस सर्किट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है जिसके नाम ही नहीं दिए। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि डायरेक्टली एक R1 का नाम दिया है, R2 नाम दिया है और अदर 0.1, 0.3, 0.2 ये रेजिस्टेंस दिए है, और हर जो ब्रांच है हर ब्रांच को नाम दिया है, लाइक दिस नोड नोड ए, नोड बी, तो ब्रांच ए बी होगी, नोड बी टू सी, बी सी, नोड सी टू डी, सी डी, यहाँ पे करंट I1 फ्लो रहा है, I2 फ्लो रहा, I3 फ्लो रहा एंड ऑल दैट। तो अपने को ये अननोन रेजिस्टेंस R1 R2 भी निकालना है और उसके साथ साथ जो अननोन करंट है वो भी निकालना है, दैट इज I1 I2 I3, ये तीनों भी करंट भी निकालने। हाउ टू सॉल्व, लेट द करंट इन द ब्रांच विल बी ए बी बी सी एंड सी डी बी द करंट I1 एंड I2। ए बी बी सी और सी डी में से करंट जो फ्लो रहा है ब्रांच में से वो है I1 I2 I3। The direction of the current has been assumed to be C to B, but the direction of current I2 could be the from B to C, which case the value of the current I2 will be the reverse sign compared to this by applying Kirchhoff current law in a node B and C. So here the some currents are to be known for us, so due to which we'll examine here the directions also. Directions bhi apne ko numerical mein diye hongi. तो जो न्यूमेरिकल में डायरेक्शन दिए वही अपने को ऑक्यूपाइड करनी है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिए I1 के हिसाब से, I2 दिया ये हिसाब से और I3 भी ये हिसाब से दिया। ओके, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ तो भी दो इक्वेशन निकाले है बाय एज पर दिस नोड। यहाँ नोड पे ये नोड बी है, ये नोड पे कितने करंट आ रहे हैं, इनकमिंग करंट कितने हैं, तो ये नोड पे दो करंट आ रहे हैं, कौन कौन से, I1 I2, और जा कितना है, R2 कितना है 20, तो कहना चाहिए दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन निकला। सिमिलरली नोड सी पे इनकमिंग कितने हैं, नोड सी पे इनकमिंग एक ही है जिसका नाम है I3, और आउटगोइंग कौन कौन थे 30 एंड I2, तो कहना चाहिए दैट I3 इक्वल्स टू 30 प्लस I2। तो हियर आई गॉट द टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन मिल गए। ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग द टू इक्वेशंस, नाउ अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द क्लोज लूप ए बी सी एच। और ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ था, ये जो लूप था ए बी जी एच, यानी ये पहला वाला लूप ए बी जी एच, ये पहले वाले लूप पे केवीएल अप्लाई करो। ये पहला लूप पे केवीएल कैसे अप्लाई करो, तो जस्ट बाय ड्रैगिंग दिस वन, फर्स्ट I1 देन I2 एंड देन I3। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द लूप 1 वी गेट इक्वेशन 20 R1 माइनस 0.121 R2 इनटू 108। Then applying Kirchhoff law for the BCFG, we get another equations. Then after getting these equations, we try to find a value of I1, I2. So after that, we get a value of I2. I2 is equal to 10 ampere. So I2 is 10 ampere, which is positive. And when the direction is initially was assumed to be C to B, if the direction of this current will be been assumed to be B to C, found will be a minus. अगर direction उसके opposite देते थे तो अपने को minus 10 ampere मिलता था। Answer was same, but that sign indicated directions. Okay? Now current के साथ साथ हमको क्या क्या चाहिए था? So, along with the current, we required the resistance also. So जो starting में हमने दो equation निकाला थे, उन दो equations में जो values put करके हमने यहाँ पे I1 और I3 की value यहाँ पे find out की है। Okay? Now also we have to find the value of the resistance, so just by putting the values of the current in terms of that resistance, we find the resistance R1 and R2. So in that we can solve the numericals, or we can find the value of resistance
यूजिंग स्विच ऑफ वोल्टेज लॉ और यूजिंग स्विच ऑफ करंट लॉ चेंज ऑल इन एंड मेकर. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर वी हैव टू यूज योर कंसेप्ट प्रॉपरली. We have to insert all the values properly. We have to see whether you are going for clockwise direction, whether you are going for anti-clockwise direction. We have also to check the current direction also. Okay. So each and every concept will be pretty important over here. We will move over to the next figure. Find the current through 8 ohm resistor in the given circuit, which is shown in the figure. एक circuit दिया है, उस circuit में अपने को 8 ohm, यानी ये 8 ohm के through कितना current flow रहा, ये निकालना है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करना है यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कितने. यहाँ पे नंबर ऑफ दो लूप है, दो लूप करंट यहाँ पे दिख रहे हैं. तो दो लूप करंट के हिसाब से दो लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे. तो पहले लूप में, पहले लूप का नाम क्या है, ए बी ई एफ, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे. दूसरा बी सी डी ई. तो जब हम ए बी ई एफ में केवीएल अप्लाई करने वाले है तो वी गॉट इक्वेशन दैट 28i1 - 8i2 इक्वल्स टू 0. ओके. Now after that, when you put this value, when you apply the giving another loop, we get another equation that 7i2 - 2i1 = 10. Now important thing is that यहाँ पे दो supply देखो कैसे है, दोनों supply एक ही loop में दिए हुए, but इनकी current direction सबसे बड़ा role play करती है. Current direction कैसे, तो यहाँ पे observe करिए, पहला loop current जो i1 flow रहा, ये जो i1 जो flow रहा, ये i1 इस हिसाब से flow रहा. जब ये i1 15 में से flow होता है तो करंट माइनस टू प्लस है, इट मीन वी हैव टू टेक एन अदर प्लस 15. देखिए यहाँ पे प्लस 15 ले आऊंगा, राइट. और वही करंट अगर इधर से फ्लो होता है तो इट विल टेक अदर माइनस 15. तो प्लस 15 माइनस 15 इक्वल टू 0. तो पहले लूप की इक्वेशन में सप्लाई वोल्टेज 0 आ जाएगा, राइट. सेकंड टर्म में ये प्लस 15 आता है बट ये भी प्लस आता है. तो प्लस प्लस दैट इज 15 प्लस 25 दैट इज ओवरऑल इक्वल टू 40. तो देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 40 आ रहा है. आफ्टर गेटिंग द टू इक्वेशंस ऑफ केवीएल बाय कैलकुलेटिंग द बाय कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस आई1 एंड आई2 वी गेट वैल्यू ऑफ आई1 एंड आई2. आई1 आई2 के दो वैल्यू मिलने के बाद ये जो 8 ओम का रजिस्टर है ये कैसा है, ये दोनों हो लूप के बीच में का रजिस्टेंस है. दोनों लूप के बीच में का रजिस्टेंस है करके आई2 माइनस आई1 की वैल्यूज पुट करके हियर वी फाइंड द रजिस्टेंस, हियर वी फाइंड द करंट of 8 ohm resistance which is flowing from V to B. So in this way we can solve any numerical or we can find a current by any imaging KVL. Okay, so we will go for another numerical. Determine the voltage across 3 ohm resistor for the given in circuit. 3 ohm resistor, yani ye 3 ohm resistor nikalna hai. Kitne number of loops hai? There are 4 number of loops are here. I1, I2, I3 एक 3 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस का अपने को वोल्टेज निकालना है. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लूप 4 है. तो लेट द करंट इन वेरियस लूप्स आर टू बी R1, I1, I2, I3, I4 एज शोन इन फिगर. नो फर्स्ट लूप ABGH, पहले लूप में केवीएल अप्लाई किया, 1, 2, 4 इक्वेशन मिल गया. दूसरे लूप में BCFG सेकंड लूप में अप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन मिल गया. थर्ड लूप में अप्लाई करोगे, थर्ड इक्वेशन मिल गया. फोर्थ लूप में फोर्थ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वी गेट एन वैल्यू ऑफ I1. नाउ आफ्टर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ I1 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 I4. दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 I4 वी गेट दैट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ I1 I2 I3. Now from that we can calculate the voltages. So by using formula V is equal to I into R, we just find the value of I1 I2 I3. Okay. So in this way we can solve the any numericals very easy. So that's it. Thank you very much. Keep watching this video. In case any doubt, in case any queries, you can freely ask me. So, thank you very much.